हरमाड़ा के निधड़ उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला शिकायत करने के बाद भी प्रशासन बैठा मुख दर्शन। वार्ड नंबर एक के पूर्व पार्षद सीएम शर्मा ने लगाई डॉक्टर और एनजीओ विश्व फाउंडेशन इंडिया पर गंभीर आरोप, दोनों मिलकर कर रहे मोटी कमाई। डॉक्टरों का कहना ग्रामीण व पार्षद ने जो आरोप लगाया है वह गलत है, जितनी हमारे पास वैक्सीन आती है हम उतने लगा देते हैं। 2 साल से पूरे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पूरा देश कोरोना की वैक्सीन के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। जहां सरकार ने वैक्सीन तैयार कर लोगों को लगाना शुरू कर दिया, दूसरी ओर सरकार के ही नामुदे जैसे डॉक्टर कई एनजीओ जिन लोगों के लिए वैक्सीन आई है उनके लगाने के बजाय दूसरे लोगों को और निजी अस्पतालों को महंगे दामों में वैक्सीन बेच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अरमाड़ा क्षेत्र के निधड़ गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ स्थानीय लोगों के अब तक तकरीबन 20% वैक्सीन की डोज लगी है। निधड़ उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर एनजीओ संचालक महंगे दामों पर निजी अस्पतालों को नोटों में वैक्सीन परोस रहे हैं। यह मामला पिछले एक हफ्ता से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर वार्ड नंबर एक की पार्षद दापा देवी शर्मा और वार्ड नंबर एक की पूर्व पार्षद सीएम शर्मा पिछले एक सप्ताह से सीएमएचओ, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, जिला कलेक्टर, जयपुर नगर निगम, महापौर, ग्रेटर को लिखित में डॉक्टर और एनजीओ विश्व फाउंडेशन इंडिया के खिलाफ भेदभाव व अपनी चाहतों को वैक्सीन लगाना और निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का आरोप लगाते हुए लिखित में पत्र दे चुके हैं। फिर भी आज तक कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही नहीं कर रहा है। कार्यवाही नहीं होने से प्रशासन से सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद सीएम शर्मा ने बताया कि निधड़ गांव की जनसंख्या 11,100 के लगभग है। जब से टीकाकरण का कार्य शुरू किया है तब से लगभग आज तक केवल आम जनता को 20% ही लोगों को टीका लगाया गया है। डॉक्टर सुरेश चौधरी, एएनएम पार्वती चौधरी व डॉक्टर का स्टाफ गांव वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ग्रामीण लोग सुबह 5 बजे से लाइनों में लगकर खड़े हो जाते हैं, जहां 1 बजे यूपीएचसी निधड़ के डॉक्टर व स्टाफ बोलते हैं टोकन खत्म हो गई है, आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, आप अपने घर जाओ। जहां लोग 15 से 20 दिन तक लाइनों में लगने के बाद ग्रामीण परेशान होकर बिना टीका लगाए बगैर लौट जाते हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। सीएम शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सुरेश चौधरी और एएनएम पार्वती चौधरी अपने घर पर 300 रुपए लेकर वैक्सीन लगाती है। जब ग्रामीण पूछते हैं तो डरा धमकाकर उनको भगा दिया जाता है और डॉक्टर गांव वालों के साथ अभद्र व्यवहार से पैसा आते हैं। वहीं डॉक्टर सुरेश चौधरी का कहना है कि ग्रामीण व पार्षद ने जो आरोप लगाए वह गलत है। हमारे पास जितनी वैक्सीन डोज आती है हम उनको लोगों को लगा देते हैं। वैक्सीन कम आती है तो हम लोग कहाँ से लगाएं?